Hello kids. Welcome to PS Classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पिंकी सिंगल और मैं हूँ मदर टीचर। और आज हम क्या सीखने वाले हैं बेटा? आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे वॉवल्स का लॉन्ग साउंड। ओके बेटा, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको सबको बताया है कि जो हमारे वॉवल्स होते हैं वो हमें कितनी तरह के साउंड देते हैं? दो तरह के। कौन से साउंड देते हैं बेटा? एक होता है उसका शॉर्ट साउंड और दूसरा होता है उसका लॉन्ग साउंड। शॉर्ट साउंड बेटा मैंने आपको बताया था, ए से ए, ई से ए, आई से ई, ओ से ओ एंड यू से अ। और लॉन्ग साउंड में क्या होता है बेटा? ये अल्फाबेट्स अपने, ये जो हमारे वॉवल्स हैं, ये अपना नाम लेते हैं, इनका नाम ही इनका लॉन्ग साउंड होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा लॉन्ग साउंड जो है वॉवल्स का है वो कैसे है। तो सबसे पहले बेटा इसमें है ओपन वॉवल। ओपन वॉवल इसको हम कैसे समझते हैं? ओपन मींस अगर उसके आगे कोई भी कॉन्सोनेंट या वॉवल कुछ भी नहीं है तो ठीक है, ये ओपन है। देखिए इन सबके आगे स्पेस ओपन है। तो ये क्या है? इस वक्त ये हमारे सारे जो वॉवल्स हैं वो ओपन है। क्या है? ओपन है। ठीक है, तो इसलिए ये हमें अपना लॉन्ग साउंड देंगे। कैसे? जैसे एस और नहीं पढ़ेंगे बेटा, और शॉर्ट साउंड होता है। यहां क्या पढ़ेंगे? एस ओ सो, एस ओ सो। तो ये यहाँ पे हमको ओ कौन सी साउंड दे रहा है? अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है। और लॉन्ग साउंड क्या होता है बेटा? इसका नाम ही इसका लॉन्ग साउंड होता है। फाइन, चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं बेटा। द, द ई डी। ओके, यहाँ पे भी देखिए हमारा ई ओपन है। फाइन, देखिए कोई भी वॉवल है, चाहे वो ए है, ई है, आई है, अगर इनके आगे स्पेस खाली है, लाइक यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई कॉन्सोनेंट नहीं है वहां पे, तो ये हमें अपनी लॉन्ग साउंड देते हैं। और शॉर्ट कैसे हो जाता है बेटा? सीवीसी वर्ड जो हमारे होते हैं उसमें क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं बैड, तो इसमें ए जो है वो क्लोज है, बंद है, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में वो बंद है, इसलिए वो हमको देता है अपनी शॉर्ट साउंड। कौन सी देता है? शॉर्ट साउंड। तो ब आ ड बैड। ओके, पर जब ये ओपन हो जाता है तो ये अपनी लॉन्ग साउंड देता है। ओके चलिए एग्जांपल यहां एक समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं हाय, हाय। ओके, अगर इसके पीछे मैं टी लगा दूं तो क्या हो गया? हिट। अब ये हमें कौन सी, पहले वो दे रहा था अपनी लॉन्ग साउंड, कौन सी साउंड दे रहा था वो? अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा था, आई आई हाय। ओके, अब जब हमने टी लगा दिया तो वो क्लोज हो गया, वॉवल क्या हो गया? दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्लोज हो गया, तो अब वो कौन सी साउंड दे रहा है? शॉर्ट साउंड। अब यहां पे टी लगने के बाद, टी से पहले वो दे रहा था लॉन्ग साउंड, है? अब जब टी लग गया तो अब कौन सी साउंड देगा? शॉर्ट साउंड। वेरी गुड, कौन सी? शॉर्ट साउंड। अब वो बोलेगा, अब वो आई नहीं बोलेगा, अब वो क्या बोलेगा? शॉर्ट साउंड उसकी क्या है? ई, आई से ई। तो अब वो बोलेगा ह इट हिट। ओके ठीक है बेटा, समझ आया? चलिए अभी ये वर्ड्स देखते हैं बेटा। जैसे मैंने यहां पढ़ा एस से स, स ओ सो, द ई ई, ई का लॉन्ग साउंड क्या होगा? उसी का नाम, उसका नाम क्या है? ई। तो द ई डी, वेरी गुड। डब्ल्यू और ई, व ई, व ई। ओके, वी, वी। ओके हाय, ये अभी मैंने आपको बताया। एच आई, कौन सा साउंड इसका? साउंड क्या रहेगा? ह आई, हाय हाय। ग ओ, गो, ग ओ। देखिए क्योंकि ये ओपन है तो लॉन्ग साउंड देगा, ग ओ गो। वेरी गुड,
चलिए नेक्स्ट ह ई ही ह ई ही ब ई बी। अब यहाँ पे एह साउंड नहीं आएगा ई का क्योंकि हमारा जो ई है वो अभी ओपन है, ओके उसके आगे कुछ नहीं है, वो ओपन है तो इसलिए वो देगा अपनी लॉन्ग साउंड, राइट। ऐसे एम वाई माई, वाई क्या है हमारा आई का साउंड, उसको हमने क्या सीखा था कि वाई जो है वो हमारे आई और ई के साउंड को चोरी करता है, फाइन। तो उसका साउंड वैसे ही होता है जैसे आई और ई का होता है, तो यहाँ पे ये आई का लॉन्ग साउंड दे रहा है, किसका आई का लॉन्ग साउंड। आई का लॉन्ग साउंड क्या हुआ, आई, तो आई माई, ओके। चलिए नेक्स्ट न ओ नो, न ओ नो, ठीक है। अब नेक्स्ट है श ई शी, श ई शी, क्योंकि हमारा ई ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है। म ई मी, म ई मी। चलिए बेटा अब हम देखते हैं इसके एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है। मैंने आपको रूल बताया कि अगर हमारे जो वॉवल्स हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है, अगर वो ओपन होते हैं तो वो अपना लॉन्ग साउंड देते हैं, और जब वो क्लोज होते हैं तो अपना शॉर्ट साउंड देते हैं, ठीक है बच्चा। और ये दो वर्ड्स है डू और टू, देखिए ये ओ हमारा ओपन है और इसमें भी ओ ओपन है, तो ये टो टो ऐसे नहीं बोलेंगे, और ये ड ओ डो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, तो ये वर्ड हम इसको कैसे पढ़ेंगे, डू टू, तो इसमें ये यू की लॉन्ग साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हैं जो हमारे इसके एक्सेप्शन है बेटा, अदरवाइज जब भी हमारे वॉवल्स ओपन होंगे, फाइन, जब हम आगे सिलेबल्स करेंगे तब हम सीखेंगे। जैसे ओपन वर्ड लेते हैं बेटा ओ पन, ठीक है, जब हम सिलेबल्स करते हैं तो हम वर्ड को डिवाइड करते हैं ये पढ़ने के लिए कि हमने उसको लॉन्ग पढ़ना है या शॉर्ट पढ़ना है। तो सिलेबल्स में क्या होता है कि जैसे ये दो हमारे वॉवल्स हैं उसके बीच में जितने भी वर्ड्स होते हैं हम उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये रूल्स हम सीखेंगे अपने जब मैं आपको सिलेबल्स करवाऊंगी, तो अभी इसमें सिर्फ एक वर्ड है तो ये चला जाएगा इसकी तरफ, ये हम देंगे ई को, फाइन। जब हम इसको ई को दे देंगे तो ये हो गया ओपन, यानी ये अकेला, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इन दिस केस हमारा ओ ओपन है, ठीक है, क्योंकि हमने डिवीजन किया है तो ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया ई, फाइन। अब कैसे पढ़ेंगे, ओ प न, ओपन, ओके ओपन, फाइन। तो इसमें ई की शॉर्ट साउंड है जो पेन की साउंड होती है, प एह न पेन, और यहाँ ओ ओपन, ओके फाइन। तो इस तरह से बेटा जब भी हमारे जो वॉवल्स होते हैं वो ओपन होते हैं तो वो अपना लॉन्ग साउंड देते हैं, जब वो क्लोज होते हैं तो अपना शॉर्ट साउंड देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको बताया और ये इसके एक्सेप्शन है, फाइन। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो टू लेटर वर्ड्स हैं और इसमें हमारा वॉवल भी है, बट वो वॉवल क्या है हमारा क्लोज है, कैसे, जैसे एम, तो ए के आगे एम लगा है यानी ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, तो अब ये कौन सी साउंड दे रहा है, शॉर्ट साउंड एम। देखिए मैंने आपको बताया था जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवल क्लोज हो जाता है तो शॉर्ट साउंड देता है, फाइन, वो हमारा सीवीसी वर्ड का रूल है। अब यहां पे भी देखिए कि यहां पे हमारा ए ओपन नहीं है, क्लोज है, उसके आगे, उसको आगे जाने की जगह नहीं है, ठीक है, वो क्लोज हो गया, इसको एम ने उसके रास्ते को क्लोज कर दिया है, तो अभी कौन सी साउंड बोलेगा, शॉर्ट साउंड एम। तो यहां हालांकि वो दो कॉन्सोनेंट के बीच में बंद नहीं है बट वो ओपन नहीं है इसलिए वो शॉर्ट साउंड देगा, ठीक है। इसमें भी देखिए एन एन, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये क्लोज नहीं है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्लोज नहीं है, बट ये ओपन
आई सॉरी हमारा जो आई है वो क्लोज है, उसका जो आगे वो ओपन नहीं है, उसको आगे जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे एफ खड़ा है इसलिए ये अपनी शॉर्ट साउंड दे रहा है इ, इफ। फाइन, यहीं पे देखिए इन, यहाँ पे भी देखिए आई है बट इसके आगे एन खड़ा है तो इसलिए ये अपनी शॉर्ट साउंड देगा इन। ऑब्वियसली ये देखिए एम
और y मैंने आपको बताया था जो हमारा y है वो हमें लॉन्ग i की लॉन्ग साउंड देता है। ठीक है बेटा, ओके ये हो गए हमारे वर्ड्स। फाइन बेटा, इसमें जो हमारे ओपन और क्लोज सिलेबल्स होते हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं वर्ड्स को रीड करने में। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ ओपन का ही बताया, इसको हम ओपन ओपन बोलते हैं, ओपन नहीं बोलते। फाइन, अगर आपने सीख लिया कि शॉर्ट साउंड भी है लॉन्ग साउंड भी है, बट जब भी हम कोई नया वर्ड देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसको शॉर्ट पढ़ना है या लॉन्ग पढ़ना है? क्योंकि सारे वर्ड्स तो सीवीसी वर्ड नहीं होंगे या सारे वर्ड ऐसे टू लेटर वर्ड्स तो नहीं होंगे। फाइन, उस तरह से आगे हमें फोर लेटर्स भी आएंगे, फाइव लेटर्स भी आएंगे, तो हमें किसे पता चलेगा कि हमने उसको शॉर्ट पढ़ना है या हमें उसे लॉन्ग पढ़ना है? तो वो बेटा हम सीखेंगे। बस अभी अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी हमारे वॉवल्स ओपन होंगे वो अपना लॉन्ग साउंड देंगे, और जब भी वो क्लोज हो जाएंगे वो अपना शॉर्ट साउंड देंगे। ठीक है बेटा, तो इन वर्ड्स को बेटा अच्छे से रीड करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। मिलती हूँ बेटा नेक्स्ट वीडियो